हेलो डियर, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड आवर टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर कॉमन रूल्स एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल नंबर 1 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर स्टार्ट कर दिया था, कर भी लिया था। Now we will start the rule number second. Rule number second is present continuous tense. Let's start our topic. The second rule second. बेटा रूल जो सेकेंड है आपका वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर जो टेंस का फॉर्मेट है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम लगाते हैं इज, एम एंड आर प्लस वी प्लस आई एन जी। वी प्लस आई एन जी मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज होता है। ये तो हो गया बेटा हमारा एक्टिव वॉइस का। अब हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इसमें हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग क्या लगाया बेटा हमने, इज एम आर इसमें था, इज एम आर ही इसमें है, यहां पर हमारा जो एक्स्ट्रा होगा वो होगा बीइंग। बीइंग के साथ वही है जैसा हमने थर्ड फॉर्म के लिए करना है, यानी कि जो भी टेंस हम पैसिव वॉइस में करेंगे वो सारे हमारे थर्ड फॉर्म के अंदर होंगे। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मेट किया है, ये है इसका स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट कॉमन है, इसके बाद हम लगाते ही हैं, उसके बाद बेटा इसका एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल में He is writing a letter. आपने देखा फॉर्मेट हमारा जैसे टेंस का होता है एक्टिव वॉइस का, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये लिख दिया है। अब आप जैसे करते आए हो वैसे ही करना है, जो कॉमन रूल्स थे हमारे वो फॉलो होंगे। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, सपोज क्या ये ऑब्जेक्ट ही है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट, इंटरचेंज करेंगे, अ लेटर इज। अब देखो इनमें से एक लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए कि इज कहां पर लगता है, एम कहां पर लगता है, आर कहां पर लगता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वेयर इज यूज इज, वेयर इज एम एंड वेयर इज आर। फिर भी मैं एक बार रिपीट करा देता हूं आपका, ही सी इट और सिमिलर नेम के साथ तो बेटा यूज होता है इज, ही सी और सिमिलर नेम के साथ, ही सी इट और सिमिलर नेम के साथ। आई के साथ हमेशा यूज होता है एम, और आई के बाद जो आ जाते हैं हमारे वी यू दे और प्लूरल, ये हमारे इसके साथ यूज होते हैं, हमारे आर यूज होता है। अ लेटर इज बीइंग थर्ड फॉर्म होगी इसकी बेटा, रिटर्न बाय हम यूज करेंगे, हमें जैसा करते आए हैं। ही चेंज होता है बेटा हमारा हिम में, जो ही चेंज होता है हमने कॉमन रूल में किए हैं वो वैसे ही आपको करने हैं सारे के सारे। क्लियर हो गया होगा सभी को? इसके अंदर ही अगर हम नेगेटिव करते हैं तो यहां पर बेटा लग जाता है हमारा नोट, आंसर वैसे ही होगा नेगेटिव में अगर होगा तो। अ लेटर इज नॉट, नॉट फिर हम कहां लगा देंगे, इसके बाद यहां पर हमारा नोट लगेगा, फिर बीइंग लगेगा, फिर रिटर्न बाय हिम। ऐसे हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया है। अब इसका करते हैं हम इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव का बेटा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, इसमें तो होता है इज, एम और आर, ये तो होते हैं स्टार्टिंग में, देन सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद बेटा आता है हमारा वी प्लस आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा कॉमन है, आता ही है, लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। अच्छा आपको देखना है कि इज एम आर आगे है, स्टार्टिंग में है, तो आपको इज एम आर आगे ही लगाना होता है, ये हमारा रूल है, क्योंकि हमारा ये इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर में हम लगाएंगे इज, एम और आर, प्लस सब्जेक्ट लगेगा बेटा, फिर उसके बाद लगेगा बीइंग प्लस वी प्लस आई एन जी, और उसके बाद आ जाता है हमारा वी प्लस आई एन जी नहीं लगेगी बेटा, यहाँ पर लगेगा हमारा थर्ड फॉर्म। इज एम आर लगाया हमने जैसा हमारा दिया हुआ है, उसके बाद लगाया सब्जेक्ट, यहाँ पर बीइंग नहीं है, हम आंसर में पैसे वो इसमें जैसे करते हैं, बीइंग यहाँ लगेगा बेटा हमारा, और बीइंग के बाद आएगी हमारी थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा फॉर्मेट होगा। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल करना है हमें, एग्जाम्पल है आर यू वॉचिंग मूवी। अब देखो बेटा जैसे हमने स्ट्रक्चर को बनाया है वैसे ही हमें करना है। सबसे पहले हमारा लगेगा हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आर था यू के अकॉर्डिंग लगाया, अब यहाँ पर लगेगा मूवी के अकॉर्डिंगली क्योंकि सिमिलर है, यहाँ लगाया हमने इज मूवी। अब बेटा हमने इनमें से एक लगा दिया है, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर लगाएंगे हम बीइंग, इज मूवी बीइंग, थर्ड फॉर्म लगाएंगे वॉच्ड, और फिर लगाएंगे बाय, और थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा जो कि यहां से इधर चेंज होगा यू। अब देखो यू हमेशा यू में ही रहता है बेटा, पहले लगाया हमने हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट जो आया हमारा पीछे से, यानी कि जो लास्ट में आता है वो ऑब्जेक्ट था, अब वो यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर वॉच्ड लगाएंगे, थर्ड फॉर्म बाय यू, और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्लियर हो गया होगा सभी को, क्या करना है हमें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें जो इज एम आर पहले लगा हुआ है वही हम पहले लगाएंगे, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट पीछे से आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम इज एम आर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर तो हमारा आर था वो किसके अकॉर्डिंगली था, यू के अकॉर्डिंगली, पर यहाँ पे हमारा क्या है इज है, वो किसके अकॉर्डिंगली है, जब ये हमारा मूवी आगे आ जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसको लगाएंगे। क्लियर हो गया होगा सभी को बेटा। अब हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रूल है अपना, रूल जो हमारा थर्ड है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें लगता है हमारा हैज हैव, सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में होता ही है वो कॉमन है, हैज हैव प्लस वी थर्ड देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव का है। पैसिव वो इसमें चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यहां पर बेटा एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, वहां बीइंग था यहां पर बीन है, वी थर्ड देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। तो इसका एग्जांपल जो होगा हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नो दैट वेयर वी यूज हैज एंड वेयर वी यूज हैव, ही सी इट और सिमिलर नेम के साथ जो यूज होता है वो होता हैज, आई वी यू दे प्लूरल के साथ यूज होता है हैव, ही या कोई नाम लिख देते हैं हम, रीना हैज रिटर्न द स्टोरी, ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट आया फिर हैज हैव आया फिर थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब आंसर में सब्जेक्ट लेंगे जो पीछे से होगा हमारा द स्टोरी, अब उसके बाद हैज या हैव वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, सिमिलर है हैज,
रिटर्न, यहाँ बेटा थर्ड फॉर्म दी होती है आपको ऑलरेडी, क्योंकि एज एफ के साथ हम जो यूज करते हैं थर्ड फॉर्म करते हैं। द स्टोरी हैज रिटर्न, हैज के बाद जो हमें लगाना था ये हमारा रह गया है, हैज बीन रिटर्न बाय रीना, कोई नाम है तो नाम आ जाएगा, उसका चेंज हम नहीं करेंगे। ऐसे ही बेटा हमारा क्या होगा, जो नेगेटिव है यहाँ पर हमारा नोट लग जाएगा, और आंसर में भी हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ नोट लगाएंगे हैज और बीन के बीच में। इंट्रोगेटिव में हमारा हैज और है स्टार्टिंग में आ जाता है, एग्जांपल में बता रहा हूँ, रूल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आपको करने हैं। हैव यू फ्लोन द काइट, क्वेश्चन मार्क। अब बेटा यहां पर हमारा हैज हैव आगे है तो हमें हैज हैव भी आगे लगाना है, फॉर्मेशन जैसी हमारी बताई हुई है वैसे ही करनी है। इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे ही आएगा, कोई भी हमारा टेंस का रूल है, पर डिपेंड करेगा किससे, सब्जेक्ट से। यहां पर हैव के साथ या यू के साथ हैव था, यहां पर द काइट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज, हैज द काइट बीन फ्लोन बाय यू, ये हो गया हमारा। सबसे पहले हैज है वो आएगा, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, फिर थर्ड फॉर्म आती है, और देन ऑब्जेक्ट। ये बेटा आपका था आज हमने जो रूल किए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का नेक्स्ट वीडियो में होगा बेटा आपका कंटिन्यू, अभी ये कई दिनों तक चलेगा आपका। पैसे वो इसको बिल्कुल अच्छे से करना है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझना है, वॉच करना है वीडियो को, जहां पर भी आपको डाउट लगता है आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।